हेलो दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम 2D डिजाइन का ड्राइंग और कलरिंग करेंगे। एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट ड्राइंग ग्रेड एग्जाम का थर्ड पेपर डिजाइन। आज हम एलिमेंट्री एग्जाम के लिए यूजफुल ऐसा 2D डिजाइन बनाने वाले हैं। यहाँ पर उसका ड्राइंग करेंगे पहले, उसके बाद उसे कलर करेंगे। आज का वीडियो स्पेशली ब्लैक एंड व्हाइट कलर स्कीम में कलर होगा। आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास वाले बेल आइकन को ऑल कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर लिया है 12 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर का। इसमें हम कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स और डेकोरेटिव फॉर्म्स इसका यहाँ पर यूज करके एक डिजाइन बनाएंगे। पहले हम एक त्रिकोण लेंगे, ट्रायंगल लेंगे, उसके बाद एक सर्कल लेंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको ड्राइंग ग्रेड एग्जाम में एलिमेंट्री एग्जाम के लिए पूछा जाता है। उसके बाद हमें एक स्क्वायर लेना है, वो स्क्वायर हम यहाँ पर लेंगे इस प्रकार। इतना लंबा है इसका एक साइड, अब एक फूल का डेकोरेटिव फॉर्म यहाँ पर हम लेने वाले हैं, यहाँ पे लेंगे। इस प्रकार से, और एक पत्ते का इस प्रकार से कर्व लाइंस लेंगे। इस प्रकार से हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो गया है। अब इसे हम व्हाइट और ब्लैक कलर की मदद से इसे कलर करने वाले हैं, ब्लैक एंड व्हाइट कलर स्कीम। ये जो ड्राइंग है इसे ज़्यादा डार्क नहीं करना है, ये जो लाइन से ये लाइटली उसे स्केच करना है। कलर देने के बाद उसमें से वो लाइन दिखने नहीं चाहिए, इसलिए उसे लाइटली रखना है इस प्रकार से। कलर के लिए हमें चाहिए ब्लैक एंड व्हाइट पोस्टर कलर, इस तरह की एक डिश, एक 0 नंबर का ब्रश है, एक 5 नंबर का ब्रश है। ऐसा पानी के लिए बाउल, पानी बड़े पॉट में लेना है, और एक कॉटन का कपड़ा चाहिए। इसका जो स्केच है थोड़ा डार्क हो गया, तो इरेजर की मदद से उसे लाइट करना है इस प्रकार से। अब हम कलर करेंगे। कलर करते समय हमें फिनिशिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है, एक्यूरेसी की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। हम लाइट कलर से शुरुआत करेंगे। ब्लैक जैसे जैसे ज़्यादा लेंगे हम, वैसे वैसे वो कलर डार्क होती जाएगा। अच्छी तरह मिक्सिंग करना है और ब्रश को ऐसे पॉइंट लाना है। ब्रश में कलर ज़्यादा नहीं लेना है, कम कलर लेना है ब्रश में। बच्चों, यहाँ पर हम पहले लाइट कलर बनाएंगे। लाइट कलर बनाने के लिए व्हाइट का यूज यहाँ पर होगा। जितना ज़्यादा व्हाइट यहाँ पर आप लोगे उतना ज़्यादा कलर लाइट बनेगा। जैसे जैसे हम उसमें ब्लैक ऐड करते जाएंगे तो उसमें से जो डार्क शेड है, डार्क वाले शेड आपको मिलते जाएंगे। बच्चों, एक बनाया हुआ शेड, एक बनाया हुआ कलर आप 2 जगह पर 3 जगह पर 4 5 जगह पर दे सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया है। कलर देते समय आपको फिनिशिंग की तरफ, एक्यूरेसी की तरफ ध्यान देना है। कलर को एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्स करना है।
ऐसा करने से आपका कलर जो है वो प्लेन अप्लाई होगा, एक जैसा अप्लाई होगा। बच्चों मैंने पहले बताया था जो पेंसिल का ड्राइंग है उसे लाइटली ड्रॉ करना है, क्योंकि कलर देने के बाद, कलर अप्लाई करने के बाद वो कलर में से वो ड्राइंग दिखना नहीं चाहिए, उससे आपके मार्क कम हो सकते हैं। आपको प्लानिंग करना है कि कौन सा कलर कहाँ पर अप्लाई करना है। कलर लिया दे दिया, कलर लिया दिया, ऐसा नहीं करना है। उसका प्लानिंग करना है, कलर का कॉम्बिनेशन करना है, यहाँ पर कलर को कंपोज करना है, जिससे वो डिज़ाइन और भी खुलकर आएगा और अच्छा दिखेगा। बच्चों यहाँ सर्कल में मैंने सभी लाइट शेड लिया है, और सर्कल के बाहर वाला जो पोर्शन है वहाँ पर मैं मिडल और डार्क शेड ले रहा हूँ। इस चैनल पर मैंने लाइट और डार्क शेड कैसे बनाने हैं, टीन टोन और शेड कैसे बना के अप्लाई करना है, इस पर वीडियो बनाए हैं। वो वीडियो आपको देखने होंगे, उसकी मदद आपको सभी ड्राइंग को कलर करने में मिलने वाली है। बच्चों एलिमेंट्री ड्राइंग एग्ज़ाम का ये थर्ड पेपर होता है, और इस पेपर के लिए आपको 2 घंटे का समय होता है। 2 घंटे में आपको ड्राइंग करना होता है और उसे कलर भी करना होता है। तो आप जब घर में या स्कूल में प्रैक्टिस करते हो तो आपको 2 घंटे में ही ड्राइंग और कलरिंग की प्रैक्टिस करना है। इसका आपको बेनिफिट पेपर में मिलने वाला है। दिए गए समय में डिज़ाइन का पेपर कंप्लीट होगा। बच्चों इस चैनल पर मेरे और भी डिज़ाइन के अलग अलग स्टाइल में वीडियोस है, वो भी आपको देखने होंगे। उसके साथ साथ मेरा एक मराठी चैनल है आर्ट मास्टर गोरे, इस पर भी आपको ड्राइंग एग्ज़ाम का पूरा सिलेबस अवेलेबल है। उस चैनल को भी आप विजिट कर सकते हो। उस चैनल के वीडियोस की भी आपको प्रैक्टिस में, प्रिपरेशन करने में मदद होने वाली है। यहाँ पर इस डिज़ाइन को मैं प्लेन कलर दे रहा हूँ, और कुछ डिज़ाइन में मैंने टेक्सचर का यूज किया है। इन दोनों टेक्निक का आपको स्टडी करना है और डिज़ाइन में यूज करके ज़्यादातर अच्छा वाला इफेक्ट लाना है। बच्चों अब मैं ज़्यादा डार्क शेड बनाने वाला हूँ, उसके लिए मैंने ब्लैक का ज़्यादा यूज़ किया है। एक पेपर की मदद से मैंने शेड सही हुआ कि नहीं वो चेक करके बाद में उस शेड को अप्लाई कर रहा हूँ, कलर को अप्लाई कर रहा हूँ। सभी कलर आपको एक्यूरेसी से देना है, उसके लिए आपको मार्क होते हैं। इस चैनल पर ड्राइंग ग्रेड एग्जाम का, एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट का पूरा सिलेबस अवेलेबल है। आप घर बैठे इन दोनों एग्जाम की अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकते हो। बच्चों अब हम और भी डार्क कलर करते जा रही है, और लास्ट में हम क्या करेंगे, ब्लैक की तरफ जाएंगे, यानी कि बाजू में, बाजू वाले पोर्शन में ब्लैक की डार्क शेड आने वाली है। यहाँ पर आपको छोटे पोर्शन में, छोटे पार्ट में 0.1, 0.0 इस नंबर के ब्रश यूज करने हैं, और बड़े पार्ट के लिए बड़ा पॉइंट वाला ब्रश यूज करना है। इससे आपका काम जल्दी से होगा और इफेक्टिव होगा। हेलो बच्चों, इस तरह के कलर स्कीम को मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम भी बोलते हैं। मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम के कलर कैसे बनाए जाते हैं इस पर मैंने एक वीडियो बनाया, आपको वो वीडियो देखना है। ऊपर वाले आई बटन पर क्लिक करना होगा। इस तरह के लाइट और डार्क शेड कैसे बनाए जाते हैं यह मैंने उसमें सिखाया है। वो वीडियो देखकर आप इस तरह के शेड्स बना सकते हो। यहाँ पर मैंने जो सर्कल है
इसमें लाइट कलर लिए हैं, लाइट शेड्स लिए हैं और बाजू में डार्क और मिडल टोन की शेड्स लिए हैं। अब ये लास्ट वाला काम अभी चालू है। इस प्रकार से हमने ब्लैक एंड व्हाइट कलर स्कीम में यह डिज़ाइन कलर किया है। इस प्रकार का डिज़ाइन क्वेश्चन आपको एलिमेंट्री ड्राइंग एग्जाम के थर्ड पेपर डिज़ाइन के लिए पूछा जाता है। और इस प्रकार का काम अपने पेपर में किया, इस प्रकार का वर्क आपका क्वेश्चन में हुआ तो आपको ये ग्रेड मिलेगा या आप मेरिट लिस्ट में भी आ सकते हो। जो अलग तरह से वर्क करता है, क्रिएटिव और यूनिक वर्क करता है, उसे मेरिट लिस्ट में जगह मिलती है। यहाँ हमने सर्कल को हाईलाइट किया है लाइट कलर ले। बच्चों, आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। थैंक यू।